नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में हुआ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। आमला के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, श्री बालाजी शिक्षा महाविद्यालय, विजयलक्ष्मी आईटीआई एवं जन सेवा कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। जबरदस्त बारिश के बीच रक्तदान दाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ एवं 71 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानव सेवा की मिसाल कायम की। ज्ञात हो कि बरसों से आमला शहर में रक्तदान के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बैतूल जिले के आमला शहर को रक्तदान की राजधानी कहा जा सकता है। इस पुनीत कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकित सीते, जिला रक्त कोषालय अधिकारी जिला बैतूल डॉक्टर बीपी चोरिया, अस्थि रोग विशेषज्ञ आमला संतोष पिद्रे, थाना प्रभारी आमले व महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम आमंत्रित अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर बीपी चौरिया, अस्थि रोग विशेषज्ञ आमला, ने कहा कि रक्तदान महादान है। अभी तक 200 के करीब लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर चुके हैं। आमंत्रित अतिथियों ने 30 बार रक्तदान करने वाले समाज सेवी सर्वेश दीक्षित का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। राष्ट्रीय स्तर पर कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। बैतूल से आए रक्त क्रांति के क्षेत्र में अग्रणी मां शारदा सहायता समिति के शैलेंद्र बिहारिया का शॉल श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। प्राचार्य डॉक्टर केशवानंद साहू को पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने पर सम्मान किया। नर्मदापुरम संभाग ब्यूरो, दीपक बर्थे की रिपोर्ट।